ये क्या हो गया गुप्ता जी इसके साथ? मिश्रा जी इसका तो हवा निकल रहा है, अब देखना बूम करेगा ये। ये क्या गुप्ता जी, ये तो सच में बूम करने वाला है। हेलो दोस्तों, वापस से आ गए हम लोग कर्स ऑफ स्टेप मदर का एक और गेम प्ले लेकर के, और आज हम लोग खेलने वाले हैं चैप्टर 2। गुप्ता जी ये आंटी तो बहुत गुस्से में लग रही है। हाँ मिश्रा जी, हम लोगों ने पार्ट 1 में बहुत परेशान किया था ना। मिश्रा जी ये देखो, हमें उस बच्ची को बचाने के लिए इस रास्ते से अंदर जाना होगा। गुप्ता जी इसे तो देखिए, ये तो पिंक हल्क बन गई है। अभी ये रेस्ट कर रही है मिश्रा जी, हमें इसे और परेशान करना होगा। आ जाओ देखते हैं हमें क्या करना है। गुप्ता जी हमें फ्रूट्स लाना है गार्डन से। अरे मिश्रा जी ऐसे नहीं ला पाएंगे, हमें ये कप लेना है मिश्रा जी, और इसमें शुगर कलेक्ट करना है। ये रहा देखो शुगर, ये हो गया। अब इस शुगर को हमें मोटर के अंदर भरना होगा, तभी हम लोग फ्रूट्स निकाल पाएंगे। चलो आ जाओ इधर मिश्रा जी। गुप्ता जी वो आंटी तो हल्क बन गई है, और वो कितनी बड़ी हो गई है। हाँ मिश्रा जी ये गुस्से में बहुत बड़ी हो गई है। चलो चलो मिश्रा जी भागो, वरना वो हमें मार देगी। इधर आ जाओ, चलो जल्दी जल्दी भागो इधर से, हमें दूर जाना है उससे। गुप्ता जी लगता है वो चली गई। बहुत बढ़िया मिश्रा जी आ जाओ, अब इस शुगर को हमें उस मोटर के अंदर भर देना है। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे, देखो इधर आ जाओ। ये रहा मोटर मिश्रा जी, ये इसमें एंटर कर दिया। अब देखना ये आंटी कितना गुस्सा जाएगी और हल्क बनकर इस मोटर को चूर देगी। तो गुप्ता जी ये करेंट ख़त्म हो जाएगा ना? हाँ मिश्रा जी, तभी हम वो फ्रूट्स कलेक्ट कर पाएंगे। ये देखो मिश्रा जी वो कितनी बड़ी बन गई है, ये गुस्से में उस मोटर को चूरने जा रही है। ये तो बहुत अच्छा है गुप्ता जी, अब ये उसे मारेगी। ये गया, इसे भी झटका लग गया गुप्ता जी। हाँ मिश्रा जी चलो, अब यहाँ से करंट ख़त्म हो गया है, अब हमें फ्रूट्स इकट्ठा करना है। हाँ गुप्ता जी चलिए, पर हमें कौन सा फ्रूट्स लेना है? अरे मिश्रा जी यहाँ एक ही तो फ्रूट दिख रहा है, यह है वाटरमेलन। हमें 10 वाटरमेलन कलेक्ट करना है मिश्रा जी। हाँ गुप्ता जी ये तो बहुत आसान है, ये बस होने ही वाला है, 2 और कलेक्ट करना है। ये हो गया गुप्ता जी, बहुत बढ़िया मिश्रा जी। चलो अब किचन, क्योंकि हमें वहीं पर वो फ्लेवर बनाना है। गुप्ता जी कौन सा फ्लेवर? अरे तुम सब समझ जाओगे, चलो किचन में तुम्हें बताता हूँ। गुप्ता जी लगता है आंटी ने देख लिया है, हमें भागना होगा। हाँ मिश्रा जी इधर आ जाओ, चलो यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। आ जाओ खिड़की से बाहर निकलते हैं, ये तो लॉक्ड है। गुप्ता जी लगता है वो चली गई है। चलो ये अच्छा हुआ वो चली गई। आ जाओ एक कांच फोड़ लेते हैं ऊपर वाला, हमें ऊपर से भी बहुत सारा सामान इकट्ठा करना है ना। चलो अब ऊपर की तरफ। गुप्ता जी कौन सा सामान इकट्ठा करना होगा अब? मिश्रा जी हमें फिशिंग रॉड बनाना है, इसका एक पार्ट मिल गया। गुप्ता जी आंटी ने देख लिया है, भागिए। इधर आ जाओ मिश्रा जी, बाल बाल बच गए। तो गुप्ता जी फिशिंग रॉड क्यों बनाना है? अरे मिश्रा जी हमें फिश पकड़ना होगा, क्योंकि वो फ्लेवर बनाने के लिए फिश भी चाहिए हमें, इसलिए फिश पकड़ने के लिए फिशिंग रॉड चाहिए। आ जाओ देखते हैं यहाँ क्या मिलता है, ये फिशिंग बेल्ट मिल गया। गुप्ता जी अब हमें सिर्फ एक ही पार्ट चाहिए ना, वो लकड़ी वाला भाग। हाँ मिश्रा जी फिशिंग रॉड बनाने के लिए वो लकड़ी भी तो चाहिए, तभी तो हमारा फिशिंग रॉड बन के तैयार होगा। तो गुप्ता जी वो कहाँ मिलेगा? मैं तुम्हें बताता हूँ मिश्रा जी वो कहाँ मिलेगा। इधर आ जाओ, हमें बाहर जाना होगा। चलो इधर आ जाओ, देखना एमली से बच के रहना। ये रहा वो रॉड, देख लो अब बन गया ना फिशिंग रॉड। हाँ गुप्ता जी चलिए अब हमें फिश पकड़ना होगा। हाँ मिश्रा जी आ जाओ, देखो कहाँ से पकड़ना है, इधर आना है, इसे अब पानी के अंदर डालना है मिश्रा जी।
और वेट करना है फीस के फंसने का। गुप्ता जी लगता है फंस गया, निकालिए बाहर। ये देखो मिश्रा जी, हमारे हाथ में आ गया ये फीस। हाँ गुप्ता जी, पर गुप्ता जी ये अचानक फीस गायब कहाँ हो गया? अरे मिश्रा जी, ये किचन पहुँच गया है, अब हमें यहाँ कुछ नहीं करना है, चलो किचन की ओर। क्या गुप्ता जी, वो फीस पहुँच गया किचन में? हाँ मिश्रा जी, चलो आ जाओ। गुप्ता जी, अब वो फ्लेवर बन जाएगा क्या? हाँ मिश्रा जी, ये क्या है, वेपन कंपोनेंट है, चलो इसे भी ले लेते हैं। चलो अंदर किचन की ओर। अब हमें एक दो और सामान चाहिए उस फ्लेवर को बनाने के लिए। क्या गुप्ता जी, अभी और सामान लगेगा? हाँ मिश्रा जी, बस एक और सामान चाहिए। ये देखो फीस को कट करना है हमें इस चाकू से, और इस तरबूज को भी। गुप्ता जी अब क्या करना होगा? देखो यहाँ पर एक मिक्सर दिख रहा है ना मिश्रा जी, उसमें हमें इसका मीट और वाटर मेलन दोनों मिलाना है। पर गुप्ता जी पहले इस आंटी से तो बच जाए, ये तो हल्क बन गई है और हमारा पीछा कर रही है। लगता है वो चली गई मिश्रा जी। चलो ये देखो मिश्रा जी, गार्डन की तरफ जा रही है आंटी। हाँ गुप्ता जी, चलिए अब अपना काम कर लेते हैं। मिश्रा जी एक और सामान चाहिए इस फ्लेवर को बनाने के लिए, वो है मिल्क। क्या गुप्ता जी, मिल्क भी लगेगा? हाँ मिश्रा जी। तो गुप्ता जी ये कहाँ मिलेगा? मैं तुम्हें बताता हूँ, इधर आ जाओ। यहाँ पर देखो एक मिल्क मशीन है, ये देखो मिल गया ना मिल्क। चलो अब इसे हमें किचन में ले जाना है फटाक से। गुप्ता जी उस फ्लेवर को बनाने के लिए और भी कुछ लगेगा क्या? नहीं मिश्रा जी, अब सारा काम हमें किचन में करना है, आ जाओ। ये मिल्क इधर रखो। सबसे पहले हमें उस फीस का मीट डालना है, ये हमारा फीस था ना, चलो इसके अंदर डाल दो। गुप्ता जी अब हमें क्या मिलाना है? मिश्रा जी अब हमें इसमें मिल्क मिलाना होगा। देखो ये रहा वो मिल्क, चलो इसके अंदर डाल देते हैं। ये हो गया, अब क्या मिलाना होगा गुप्ता जी? अब इसमें ऐड करना है मीट, जो कि फ्रीज में मिलेगा। ये देखो एक मीट ले लेना है, इसके अंदर डाल देना है। गुप्ता जी इसमें और लिक्विड डालना है। मिश्रा जी ये मिल्क और डाल देना है इसमें, फिर से डाल दो इसमें। ये हो गया, अब इसमें और भी मीट डालना होगा। एक और मीट उठा लो, इसके अंदर पुट कर दो। लगता है ये अब बन जाएगा। गुप्ता जी अब इसमें कुछ स्पेशल मिलाने के लिए बोल रहा है। देखो मिश्रा जी वो तुम्हें इधर मिलेगा, ये छोटा वाला है ना, यही है स्पेशल चीज़। चलो इसे भी इसमें मिला देते हैं। ये देखो मिश्रा जी, हमारा ड्रिंक बन के तैयार हो गया है, अब इसे बस एक्सचेंज करना है। गुप्ता जी कहाँ पर? इधर आ जाओ मिश्रा जी, ये इमली का जूस है, इसे एक्सचेंज कर देंगे। चलो अब देखना मज़ा मिश्रा जी, ये जब इसे पिएगी तो क्या होगा। क्या होगा गुप्ता जी इसके साथ? देखना ना, बहुत मज़ेदार चीज़ होगा। ये क्या हो गया गुप्ता जी इसके साथ? मिश्रा जी इसका तो हवा निकल रहा है, अब देखना बूम करेगा ये। ये क्या गुप्ता जी, ये तो सच में बूम करने वाला है। चलो मिश्रा जी अब हमें उस बच्ची को बचाना है। ये रहा वो बेसमेंट का चाबी, आ जाओ। हाँ गुप्ता जी, हमें तो उस बच्ची को बचाना है ना। हाँ ये वेपन कंपोनेंट है, आ जाओ। हमें अभी तो वेपन का कोई काम नहीं है, जल्दी आओ मिश्रा जी। पर गुप्ता जी वो बेसमेंट का डोर कहाँ है? इधर आओ मिश्रा जी, मैं तुम्हें बताता हूँ। एमली से बच के रहना, इधर आ जाओ। देखो ये रहा बेसमेंट का डोर, चलो इसे ओपन करो। ये क्या गुप्ता जी, ये तो खुला ही नहीं। लगता है मिश्रा जी हमें कोई और रास्ता अपनाना होगा, ये भी लॉक्ड है। हाँ गुप्ता जी, ये शायद बता रहा है बेसमेंट जाने के लिए गैरेज से जाना होगा। हाँ मिश्रा जी, ये कोई और रास्ता बता रहा है, हमें बेसमेंट में जाने के लिए गैरेज जाना होगा। ये रहा गैरेज। हाँ गुप्ता जी, और इस गैरेज में जाने के लिए आगे का दरवाज़ा हटाना होगा। चलो मिश्रा जी, इस दरवाज़ा को हटाने के लिए एमिली का मदद लेंगे। वो कैसे गुप्ता जी?
अरे मिश्रा जी तुम बस देखते जाओ, ये दरवाज़ा कैसे टूटेगा मैं बताता हूँ तुम्हें। चलो इसे खोलो, यहाँ पर देखो बहुत सारा रंग है ना। चलो ये ब्लू वाला उठा लो। अब हमें सबसे पहले इसके अंदर रंग भरना है। चलो पहले हमें बाहर जाना होगा, आ जाओ। इसके अंदर पहले हमें रंग भरना है, और रंग हमें कहाँ मिलेगा तुम्हें पता है ना? हाँ गुप्ता जी मुझे पता है, यहाँ पर बहुत सारा रंग गिरा हुआ है, ये देखिए गुप्ता जी। हाँ मिश्रा जी, चलो ब्लू वाला हमें इसमें फिल कर लेना है, ये हो गया। पर गुप्ता जी इस स्प्रे को कहाँ पर स्प्रे करना होगा? अरे मिश्रा जी मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, इस स्प्रे को हमें गैरेज का जो दरवाज़ा है ना वहाँ स्प्रे कर देना है, तो जब एमिली उसे देखेगी ना तो गुस्से में उस दरवाजे को तोड़ देगी, हमारा काम हो जाएगा। हाँ गुप्ता जी ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, चलो अभी भागो, एमिली ने देख लिया है। गुप्ता जी वो चली गई है, अब स्प्रे कर सकते हैं। ये देखो मिश्रा जी पिग लिखा गया इसे स्प्रे करने से। चलो इसका काम हो गया है, अब हमें रेड वाला लेना है। चलो गुप्ता जी ये भी स्प्रे खाली ही होगा ना? हाँ मिश्रा जी इसे भी हमें भरना होगा, और तुम्हें पता है ना ये कहाँ भरेगा? हाँ गुप्ता जी मुझे पता है ये कहाँ भराएगा। बहुत बढ़िया मिश्रा जी, चलो जल्दी से ये काम कर लेते हैं और उस डोर को रंग देंगे और एमिली का गुस्सा का इंतज़ार करेंगे। ये रहा रेड वाला, फूल हो गया। चलो मिश्रा जी, वैसे गुप्ता जी ब्लू वाला स्प्रे से तो पिग लिखाया था, इससे क्या लिखाएगा पता नहीं मिश्रा जी। चलो चल के देखते हैं क्या बनता है इससे, आ जाओ। संभल के रहना, देख लो एमिली इधर ही है। हाँ गुप्ता जी, चलो बच गए। अब हमें फटाक से इसमें स्प्रे कर देना है, देखते हैं क्या बना। गुप्ता ये तो एमिली का फोटो बन गया, वो भी पिग जैसा। अब देखना मिश्रा जी एमिली इसे देखकर कितना गुस्सा जाएगी। ये देखो हल्क बनने वाली है। हाँ गुप्ता जी ये कितनी बड़ी बन गई। अब हमारा रास्ता साफ हो जाएगा, ये इसे तोड़ रही है। हाँ गुप्ता जी हमारा काम हो गया, अब हम इसके अंदर जा सकते हैं। हाँ मिश्रा जी इसे फेंक दो, इसका कोई काम नहीं है, चलो अंदर। गुप्ता जी अब हम लोग बेसमेंट की ओर जा सकते हैं ना? नहीं मिश्रा जी अभी हमें और भी काम करना है, यहाँ पर हमें एक चैन खोजना होगा। लोहे का वो चैन कहाँ है? गुप्ता जी चैन किस लिए काम आएगा? अरे मिश्रा जी सब तुम्हें पता चल जाएगा, बस वो मिल जाए। इधर है क्या? ये देखो मिश्रा जी मिल गया मुझे। चलो मिश्रा जी इसे हमें ट्रैक्टर से फिट करना होगा, आ जाओ। ये देखो मिश्रा जी ऐसे हमें फिट कर देना है। गुप्ता जी मैं समझ गया, ये ट्रैक्टर जैसे चालू होगा ना तो ये जाली खुल जाएगा। हाँ मिश्रा जी हमें वो जाली खोलना था, अब तुम समझ गए। पर मिश्रा जी ये ट्रैक्टर चलाने के लिए इसमें गैसोलीन चाहिए, आ जाओ पहले गैसोलीन लाते हैं। वो देखो उस घर की तरफ, उधर एक गैसोलीन पड़ा हुआ है, उसे हमें लाना होगा। हाँ गुप्ता जी दिख गया मुझे वो रेड वाला ना। हाँ मिश्रा जी यही है गैसोलीन, इसे ले जा करके ट्रैक्टर के अंदर भर देना है। चलो हाँ गुप्ता जी तब हम बेसमेंट के अंदर जा पाएंगे और उस बच्ची को बचा लेंगे। हाँ मिश्रा जी चलो जल्दी। मिश्रा जी एमिली से बच के रहना, कहीं वो देख ना ले। हाँ गुप्ता जी वरना वो हल्क बन जाएगी। चलो मिश्रा जी आ जाओ, ये देखो एमिली उधर है। गुप्ता जी उसने तो देख लिया है। मिश्रा जी क्या करना है, भागो अब, उसने देख लिया है। गुप्ता जी वो चली गई, बच गए। बहुत बढ़िया, चलो गुप्ता जी इसमें भर देते हैं, ये हो गया। गुप्ता जी हम लोग ट्रैक्टर भी चालू कर दिए ये तो। हाँ मिश्रा जी हम लोग तो ट्रैक्टर के अंदर आ चुके हैं, पर ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? पता नहीं गुप्ता जी ये तो आगे ही नहीं जा रहा है, ये क्या हो गया मिश्रा जी? अरे ट्रैक्टर कहाँ गया? ये क्या गुप्ता जी ये क्या ग्लिच है, ये तो अंदर फंस गया है। पता नहीं मिश्रा जी ये ट्रैक्टर को क्या हो गया। अरे ये अंदर कैसे घुस गया मिश्रा जी,
अब इसे कैसे निकालेंगे? ये निकल गया गुप्ता जी। वाह, तो दोस्तों फाइनली हम लोगों ने बेसमेंट का रास्ता निकाल ही लिया है और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त हो जाता है और हम लोग इसे बचाएंगे चैप्टर 3 में।